अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मैं हूं आता हूं मुगल और आप देख रहे हैं पार्क मोटर बाइक यूट्यूब चैनल। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फाइनल लुक आप देख ही चुके हैं और स्टार्टिंग में आपने देख ही चुके हैं कि आपकी हालत क्या कैसी थी। तो हमने सोचा कि इसको किसान की मदद से, ब्रश की मदद से इसकी सफाई की जाए, थोड़ा बहुत तक हालत इसकी बेहतर हो, उसके बाद इसको मुकम्मल असम्बल करेंगे। ये है CD70 70 cc का फ्रंट व्हील हब है फिलहाल। अब इसके साथ स्पोक्स और रिम फिट करने वाले हैं। इसकी सफाई होने के बाद ये देखें, ये लुक थोड़ी बहुत शाइनिंग आ चुकी है। इसके बाद फाइनल लुक आने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। जी तो दोस्तों, ये है सामान हमारे पास मोटरसाइकिल के फ्रंट व्हील का। ये है रिम LED का और ये है स्पोक्स सर्वो कंपनी के। हमने उतारे हैं ये स्पोक्स, अलग अलग कर लेनी है। जब आप स्पोक्स बाई करेंगे ना, उसमें दोनों साइड की तरफ में पड़ी होंगी कुछ उल्टी या कुछ सीधी, आपने उनको अलग अलग कर लेना है। ये स्पोक्स जो आप देख रहे हैं अलग अलग जो मैंने की हैं, ये दो सेट हो गया ना, एक सेट बाहर की तरफ का और एक सेट अंदर की तरफ का। मतलब कि एक सेट जो बाहर वाला है वो दोनों साइडों की तरफ से बाहर की जान से दाखिल करेंगे। ये देख रहे हैं आप, अगर आप उल्टा करेंगे ना, जो अंदर वाला सेट वो अगर बाहर की तरफ अगर असम्बल करेंगे तो हम सही तरीके से बैठेंगे नहीं और ना ही तार हब के साथ ठीक तरह से वर्क करेंगे। ये दूसरी साइड आप देख सकते हैं, ये देखें कितना फ़र्क आ रहा है। ये आपके दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये देखें दोनों साइड्स की एक एक स्पोक्स दिखा रहा हूँ। आप देख लें कि जिस साइड में स्पोक्स का ज़्यादा फ़र्क हो, ज़्यादा टेढ़ी हुई हो, वो समझ लें कि वो आपकी बाहर वाली साइड की जान डलेगी, और जिसका साइज़ कम हो उसको अंदर आपके अंदर वाली साइड में फिट करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये वो स्पोक्स हैं जो बाहर वाली साइड में, दोनों साइड एक तार छोड़ के एक तार आपने दाखिल करनी है। जहाँ मर्जी से आप अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक स्पोक्स के लिए जगह छोड़ के। ये जो एक स्पोक्स की जगह छोड़े हैं, ये दूसरी स्पोक्स दाखिल करेंगे ना इसमें, जो हब के अंदर वाली स्पोक्स है। स्पोक्स फिट करने के बाद आगे चलकर आपको इसकी डिटेल बताते हैं। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देख लें स्पोक्स फिट हो गई हैं। अब बारी आती है रिम के अंदर इसको फिट करने की। रिम अपनी मर्ज़ी से
जिधर कोई भी साइड अपनी तरफ डालें तो जो आपको सुराख ऊपर वाल की जानब नज़र आते हो ना, उसमें ये आपने फिट करनी है। सबसे पहले ऊपर वाली तार लेके एक साइड से आपकी, और अगली चौथी तार जो नीचे है उसको आपने अटैच कर देना है, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें। मैं यहाँ ट्यूब के टूटी के सुराख से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देख लें आप, ये बहुत आसान रहेगा आपके लिए। आपकी ऊपर वाली स्पोक्स को ले लेना, और नीचे वाली स्पोक्स जो लेनी है आपने चौथी स्पोक्स लेनी है। एक तो दूसरी भी आती है, एक चौथी लेनी है। इसी तरह आपने फिट करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ये आप देख रहे हैं जो ऊपर वाली वायर है ना स्पोक्स है, वो ऊपर ही रहने दें, और जो नीचे वाली है वो नीचे ही फिट करें। क्रॉस करते ही जाएं, एक सुराख छोड़ के। वो एक सुराख जो है वो प्रति साइड की स्पोक्स के लिए, बहुत ही आसान है। मैं वीडियो को इसलिए स्पीड से चला रहा हूँ कि ये काफ़ी लंबी हो जानी चाहिए, टाइम को बचाते हुए ये शॉर्ट की है। इसी तरह आपने एक साइड कंप्लीट कर देनी है, और जब आप दूसरी साइड की तरफ आएंगे ये देख लें आप, इतनी प्ले होनी चाहिए। आप ये टाइट हो ना एक साइड से फिट करने के बाद, तो समझ लें कि आपकी स्पोक्स सही फिटिंग नहीं हुई, या आपने उल्टी डालनी है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो स्पोक्स एक साइड की है उसको उसी साइड में फिट करना है। अगर उल्टा फिट करेंगे तो ये जो आपको मैंने प्ले दिखाई है ये नहीं होनी। तो जब आप इसके टेब लेके जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा होगा। एक साइड कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरी साइड पर जाएंगे रिंग की, तो वहाँ जो जो सुराख रह जाएगा वो आप स्पोक्स के साथ फिट कर लें। इसी तरह क्रॉस करके एक ऊपर वाली लेकर, और अगली चौथी स्पोक्स है जो नीचे वाली है उसको क्रॉस की शक्ल में लेकर इसको फिट कर दें। बहुत ही आसान है। रिंग फिट होने के बाद आपको आगे चल के आगे डिटेल बताते हैं। ले जी, रिम हमारा कंप्लीट हो गया स्पोक्स के साथ। अब बारी आ जाती है इसको इस गड्ढे के ऊपर ले जाने की। रिम को अड्डे के ऊपर फिट करने के लिए आपको साइकिल का एक एक्सल चाहिए, मोटे वाला, ठीक है। वो आपने इस तरह इसके अंदर फिट कर देना, एडजस्ट कर देना कि इसमें प्ले ना रहे। और उसके बाद आपको आपने इसको रिम अड्डे के ऊपर फिट करना है। जी टाइट हो गया फुल नट इसका, ठीक है। इसके बाद हम इसको अड्डे के ऊपर फिट करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको फिर सीधा करने का तरीका ये है कि जब इसको आप घुमाएंगे तो आपने सबसे पहले इसकी ऊपर नीचे की प्ले चेक करनी है। अगर वो हो तो इसको आपने ठीक करना है। ऊपर नीचे की प्ले को ख़त्म करने का तरीका ये है कि जिस साइड में रिम ऊपर की जानब उभर रहा हो उस साइड में आपने स्पोक्स इसको टाइट कर देना,
दो दो तीन तीन चूड़ियाँ, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने ये करना है कि एक बार आपने स्पोक्स जितनी भी डिगी हो ना उसको सबको टाइट करना है। टाइट करने के बाद जो मैंने आपको बताया ना ऊपर नीचे की प्ले वाला, वो आपने करना। सबसे पहले हम सारी स्पोक्स को एक बार टाइट करेंगे जितना भी हो सके पेचकस के साथ। उसके बाद हम प्ले चेक करेंगे ऊपर नीचे की। ऊपर नीचे की प्ले ख़त्म करने के बाद हम साइडों की प्ले चेक करेंगे। जी बात हो रही थी कि ऊपर नीचे की प्ले किस तरह ख़त्म करनी है। प्ले ख़त्म करने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया कि जो जिस तरफ रिम अंदर की जानब हो वो स्पोक्स आपने उस साइड की स्पोक्स को आपने ढीला कर देना थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चूड़ी, एक सेट की कर दें, दो सेट की कर दें, जितनी भी आप देखें कि रिम में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और दूसरी जानब जिस तरफ रिम ऊपर रहा हो ऊपर की साइड, तो उस तरफ एक सेट या दो सेट की आपने स्पोक्स टाइट कर देनी। जी तो बात हो रही थी कि सेट क्या होता है। चार तारों का एक सेट है जिसमें मुकम्मल रिम के अंदर नौ सेट होते हैं, ठीक है ना। चार तारों का एक सेट है तो एक सेट में आपने टाइट करते जाना, जिस तरह मैं आपने बताया है कि घुमाने के वक्त जब जिस साइड की तरफ रिम लगे तो समझ जाएगा कि परली साइड की जो स्पोक्स है ना वो आपने टाइट करते जाना। अगर परली साइड दूसरी साइड की तरफ अगर रिम लगे तो उरली साइड की जो स्पोक्स है ना वो आपने टाइट करनी है, सेट सेट की करनी है, ठीक है। दो एक छोड़ के एक, इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो आपका रिम बिल्कुल फिट हो जाएगा। लास्ट में आप खुद ही देख लें किस तरह ये तीर की तरह सीधा हो गया। जो इसमें जोड़ आते हैं ना उसका हाल कोई नहीं है। अगर आप उस पर ज़र्ब लगाएंगे तो वो टूटने का खदशा है, जोड़ उखड़ जाने का खदशा होता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत रह जाती है, बकाया आप देख लेंगे खुद ही कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा। वीडियो देखें, आप इंजॉय करें। साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें, मेरा चैनल शेयर कर दें। ये देख रहे हैं आप एक स्पोक्स छोड़ के एक टाइट हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ रिम जा रहा था तो इसलिए ये दाएं हाथ की स्पोक्स को टाइट किया जा रहा है एक छोड़ के एक। ये मेरे वाल साहब जो ये काम करते हैं, ये देखो ये बाएं तरफ जा रहा था ना, इसको हम सीधा करेंगे इसी तरह ही दाएं हाथ की स्पोक्स को टाइट करके। ये देख लें बस थोड़ा सा फ़र्क रह गया, थोड़ा बहुत, और लास्ट में आप देख लेंगे, ये देख लें फाइनल है, बिल्कुल सीधा हो गया स्ट्रेट, सिर्फ जोर वाली साइड थोड़ा बहुत नज़र आएगा आपको।